प्रेशर आर्क थ्योरी। प्रेशर आर्क थ्योरी माइंड सपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो ये खत्म होने के बाद हम बताएंगे। प्रेशर आर्क थ्योरी को समझने के लिए आप लोग कम दो तीन वीडियो भेजे हैं, एक बेड सेपरेशन वाला भेजा है, स्ट्रेसेस इन्वॉल्व इन माइनिंग, कौन कौन से माइनिंग में स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो जब तक आइडिया नहीं होगा तो इसको आज हम समझा नहीं पाते आप लोग को। तो वो आप यदि देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि इसको समझने में इजी हो जाए, ठीक है। इस प्रेशर आर्क थ्योरी के पहले अभी हम आपको बताए थे कि ये जो P1 दिखा रहे वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स है, ये P2 इधर जो दिखा रहे इधर से P2 दिखा रहे, ये क्या है लेटरल प्रेशर है, ठीक है। तो जब माइनिंग नहीं होता है तो ये P1 और P2 इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, रॉक मास में कोई मूवमेंट नहीं होता है। पर अब आपको चालू करना होगा प्रेशर आर्क थ्योरी, तो कैसे चालू करें, कहां से उसका भूमि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए ये क्या है, मेरे अंडरग्राउंड रोड बनाया है मैंने, ठीक है। अंडरग्राउंड रोडवे वेन एन अंडरग्राउंड रोडवे इज मेड इन द कोल सीम, देन वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस एंड लेटरल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड न्यू काइंड ऑफ प्रेशर्स आर कम इन टू प्ले एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर्स इज एक्सप्लेन बाय द प्रेशर आर्क थियरी। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थियरी। इंट्रोडक्शन हुआ, थियरी नहीं हुआ, सिर्फ इस थियरी में क्या होता है यह बताया, थियरी भी बाद में देखेंगे, ठीक है। इस थियरी को बताने के पहले यहां पर जो हम कुछ बनाए हैं उसको देख लीजिए तब ना समझ आए। P1 इज अ वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स, P1 इज अ वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स शियर एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, ओके। P2 लेटरल फोर्सेस एंड दिस इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस विद डेप्थ। B बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीजेस विद विड्थ ऑफ एक्सकावेशन, जो लास्ट वीडियो आपको हम भेजे थे स्ट्रेसेस इन्वॉल्व इन माइनिंग, उसमें हम बताए थे कि गैलरी वेट 4.8 मीटर पे क्यों लिमिट करते हैं, क्योंकि गैलरी वेट तो बढ़ता चले जाएगा, विड्थ ऑफ एक्सकावेशन आपका बढ़ जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा। यहां देखिए जरा ये गैलरी वेट है, यदि इसको हम इतना कर दे तो ये बेंडिंग स्ट्रेस जो यहां लग रहा है वो बढ़ जाएगा तो रूप सेक करेगा, सेक मतलब नीचे की तरफ झुकेगा, बेड सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, आपको स्टैटिक कंट्रोल में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसका गैलरी वेट रेगुलेशन होता 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक। एस शियर फोर्स, ये पिलर के साइड पे देखिए, यहां पे एस लिखा है, यहां एस लिखा है, पिलर के साइड पे शियर फोर्स डेवलप होता है, ये न्यू काइंड ऑफ प्रेशर है, ठीक है। ये किसके चलते हुआ, ये P2 के चलते हुआ, जब हम रोड बनाए तो ये P2 क्या करेगा, रॉक मास को रोड के तरफ ठेले की कोशिश करेगा, टेंड टू पुश द रॉक मास इनटू रोडवे एंड शियर फोर्स इज क्रिएटेड ऑन द कोल पिलर साइड, ओके। सी एबटमेंट प्रेशर, सी इसको बोलते हैं एबटमेंट प्रेशर। सी क्यों नोटेशन दिया, सी इसलिए दिया कंसंट्रेशन को दिखा रहा, सी फॉर कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन हुआ, ये जो P1 डायरेक्ट वर्टिकली कंप्रेसिव फोर्स था ये ऐसा लग रहा था, लेकिन हमने क्या बना दिया, यहां गैलरी बना दिया, रास्ता बना दिया, रोड बना दिया, तो क्या हुआ, दिस कंप्रेसिव फोर्स डिफ्लेक्टेड एट द कोल पिलर। देखिए ये ऐसा ना जाके किधर चले गया, इधर, क्योंकि आपने मीडियम ना खत्म कर दिया यहां से, तो ये ऐसा जाने के बजाय इधर चले गया, ये वाला यहां आ गया, उसके बाद इधर रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इधर भी वैसे ही हुआ, तो दोनों तरफ देखो हम सी लिखे हैं। यहां क्या हो रहा है, किसका कंसंट्रेशन हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ रोडवे इन अ कोल सीम वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेज डिफ्लेक्टेड एट द कोल पिलर्स एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेज इज टर्म्ड एज ए एबटमेंट प्रेशर एंड दिस एरिया वेयर
दिस कंसंट्रेशन इज ऑकर्ड, इट इज कॉल्ड एबटमेंट जोन। ओके, और एक और चीज हम बताए थे टेंसाइल स्ट्रेस, जो आपका ये इमीडिएट रूप है, ये आपका क्या है, इतना इमीडिएट रूप है, ये जो डॉट के अंदर दिखा ये है प्रेशर आर्क, हम बताएंगे बाद में, हमको इसी का सपोर्ट करना है, इतने एरिया का, सबका नहीं करना है, ठीक है, सबका नहीं कर सकते, पिछले बार बताए थे। तो ये जो इमीडिएट रूप रॉक है, इसका जो लोअर लेवल, लोअर लेयर होगा, लेयर होगा, इस लोअर लेयर में ये अंडर टेंशन रहेगा, ये अंडर टेंशन से फ्रैक्चर होता है, ये भी नया टाइप का फोर्स हुआ ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ रोडवे। ओके, ये आपको इतना समझा दिया, अब थियरी कैसे लिखेंगे, थियरी लिखने के लिए आप मेरे साथ दोहराइएगा वहां से, P1B A P2T, कितना चीज हुआ, देर आर फाइव पॉइंट्स, ये पांच पॉइंट्स पर आपको इस थियरी को एक्सप्लेन करना, P1B A P2T। P1 आपको मालूम ही है वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स, इसके बारे में दो लाइन लिखेगा, बी बेंडिंग स्ट्रेस दो लाइन लिखेगा, अबटमेंट प्रेशर के बारे में दो लाइन लिखेगा, हम बताएंगे भी और आगे, P2 आपका जो लेटरल प्रेशर है जिसके चलते शियरिंग फोर्स पैदा होता है उसके बारे में दो लाइन लिखेगा, और टी टेंसाइल स्ट्रेस जिसके बारे में अभी चर्चा किया उसके बारे में एक दो लाइन लिख दीजिएगा, आपका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद उधर वाला जोन भी है, ठीक है। अब इसको चालू करेंगे थियरी को, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे प्रेशर थियरी का, सबसे पहले क्या बोले यहां, इतना कहीं रॉक में लिख के रखिएगा और कभी कभी चलते फिरते याद रखिएगा, P1B A P2T, ठीक। P1 क्या है, स्टार्टिंग की जगह, वेन एंड अंडरग्राउंड रोडवे इज मेड इन द कोल सीम, नंबर वन पॉइंट, वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस P1, वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस P1 डिफ्लेक्टेड एट द कोल पिलर, इधर एक कोल पिलर है ना, एक कोल पिलर पे क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया, या ऐसा नहीं जाके इधर की तरफ मुड़ गया, डिफ्लेक्ट हुआ, एक बार। नंबर दो में क्या लिखा, बी बेंडिंग स्ट्रेस, तो नंबर टू लिखना, बी के बारे में लिखना, बी क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, द रॉक्स इन द इमीडिएट रूप, ये जो इमीडिएट रूप है, इमीडिएट रूप बताया था कोल सीम के ऊपर का, ज्यादा ज्यादा 6 मीटर तक का जो स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट रूप, द रॉक्स इन द इमीडिएट रूप शेक डाउनवर्ड ड्यू टू देयर ओन वेट एंड टेंड टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दिस फेनोमेना इज नोन एज बेड सेपरेशन। थर्ड हमारा क्या था, ए को क्या लिखे भाई, एबटमेंट प्रेशर, इसके बारे में दो लाइन लिखेगा, क्या लिखेगा, वेन एन अंडरग्राउंड रोडवे इज मेड इन द कोल सीम वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस डिफ्लेक्टेड एट द कोल पिलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वर्टिकल फोर्सेस ऑन द कोल पिलर इज टर्म्ड एज अ एबटमेंट प्रेशर या एबटमेंट प्रेशर। ओके, P2 नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, P2 के बारे में क्या लिखेगा, लेटरल फोर्सेस और वी कैन से लेटरल स्ट्रेसेस टेंड टू पुश द रॉक इनटू रोड एंड शियर फोर्स इज क्रिएटेड ऑन द साइड्स ऑफ कोल पिलर एंड लास्ट वन इज टी टेंसाइल स्ट्रेस, लोअर लेयर्स ऑफ द इमीडिएट रूप रॉक अंडर टेंशन एंड लाइबल टू फ्रैक्चर। ओके, एंड दिस डॉटेड पोर्शन शोज द प्रेशर आर्क और प्रेशर डोम एंड ओनली दिस रूफ रॉक आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, दिस इज इमीडिएट रूफ रॉक। ओके, नाउ एंड ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस देर आर फाइव जोन्स क्रिएटेड इन दिस एरिया, सी दिस, जोन वन बेड सेपरेशन इन इमीडिएट रूप, देखिए ये जो डॉटेड में दिखाया हुआ है ये वन जोन नंबर वन है, इस जोन नंबर वन में ही बेड सेपरेशन होगा, ठीक है, ये नंबर टू,
इसमें कोई बेड से परेशान नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे थे कि 100 मीटर नीचे काम कर रहे हैं तो 100 मीटर तक का हम सपोर्ट लगाते हैं। यहाँ तो आपका बेड से परेशान ही नहीं होगा तो वहां सपोर्ट की क्या जरूरत है, हमको किसके किसके अंदर की जरूरत है। ये जोन वन में जो इमीडिएट रूप में बेड सेपरेशन होगा उसको रोकने के लिए, ठीक है, नेसेसिटी आप सपोर्ट का एक वीडियो भेजा उसको देखिएगा, ठीक है। जोन टू में नो बेड सेपरेशन, देखिए यहाँ लिखा नो बेड सेपरेशन। जोन थ्री देखिए यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ तो यहाँ तक का कुछ जहां हम गैलरी बनाए थे उसके अगल बगल का ऊपर का जो है वर्टिकल कंप्रेसिव प्रोसेस जो है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, इधर डिफ्लेक्ट हुआ, मैं सीधे का सीधा जैसे लग रहा था वैसे ही आया, यहाँ पे भी वैसे ही आया, ठीक है। तो तीन नंबर में जो प्री माइनिंग वैल्यू था लेटरल और कंप्रेसिव फोर्सेस का वो एचयू हो गया, वही दिखा देखिए एचयूड प्री एक्सकावेशन वैल्यू, प्री माइनिंग प्री एक्सकावेशन की बात है, वो हो गया, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है। जो नंबर फोर ये इधर नीचे देखेगा, ये फ्लोर में है, ये क्या करेगा, फ्लोर देखेगा, हम जो फिगर बनाए इसको 100% वर्टिकल नहीं बनाए, थोड़ा सा सगिंग दिखाया रूप में, क्योंकि गैलरी बना है तो सगिंग हुआ, अब फ्लोर को थोड़ा सा क्रिप किया है या हमने हीव कर दिया है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, फ्लोर ऊपर उठ गया है, तो ये जोन में हल्का फुल्का हीविंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेड सेपरेशन नहीं होगा। और ये पांच नंबर एक दिखाया है, ये पांच नंबर जो है ये क्या है, ये पिलर ब्लजेस, मतलब ऐसा करेगा पिलर ब्लजेस टूवर्ड्स द गैलरी ड्यू टू रिलीज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, इतना ही प्रेशर आर्क थियरी में लिखना है, ठीक है। इसको एक बार बढ़िया समझिएगा, इसका जैसे वीडियो डालेंगे उसके विद इन 5 to 10 मिनट्स में हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, ताकि आप लोग को लिखने के टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है, थैंक यू।